इस पैकेट के अंदर है तोरई के बीज। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छत पर गमलों में आप कैसे तोरई के बेल को ग्रो कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तोरई को आसानी से ग्रो करने के लिए तोरई के जो बीज हैं आप इनको 1 से 2 घंटे तक पानी में भिगो के रखें। पानी में 1 से 2 घंटे तक भिगो के रखने के बाद में अगर आप बीज को लगाते हैं तो बीज की जो ग्रोथ है वो जल्दी स्टार्ट होती है। छत पर गमले में तोरई की बेल को ग्रो करने के लिए आपको एक बड़ा सा गमला चाहिए। हमने यहाँ पर एक 30 लीटर की बड़ी सी बाल्टी ले रखी है। अब बारी आती है तोरई को ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है। तो हमने जो ये मिट्टी तैयार की है कुछ इस तरीके से की है। हमने अपने गमलों की गार्डन की जो भी मिट्टी होती है वो 40%, इसके अलावा नदी की रेत जो होती है जिसको रिवर सैंड बोलते हैं वो 30%, और बाकी का 30% हमने वर्मी कंपोस्ट मिला लिया है। तीनों को हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद में इस बाल्टी में भर दिया है। अब बारी आती है तोरई के बीज को लगाने की। तोरई के बीज को आपको लगभग 1 से 1.5 इंच गहरा मिट्टी के अंदर लगाना होगा। आप ज़्यादा गहरा बीज को ना लगाएं। अगर आप ज़्यादा गहरे बीज लगाएंगे तो आपके जो बीज हैं मिट्टी के अंदर पड़े पड़े खराब हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कम गहरा भी बीज नहीं लगाना है। अगर आप कम गहरा बीज लगाएंगे तब भी ग्रोथ स्टार्ट होने में थोड़ी दिक्कत रहती है। हमने अच्छे से बीज लगा दिए हैं लगभग 8-10। इसके बाद में हम अच्छे से पहली बार पानी देंगे। बीज को लगाने के बाद में अच्छे से पानी देना चाहिए। पानी देने के बाद में हम इस बाल्टी को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर अच्छे से इसको पूरा दिन की धूप मिलती हो। तोरई के बेल को ग्रो करने के लिए आपको अच्छी धूप देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कुछ दिनों के बाद में क्या रिजल्ट मिलता है। इस बाल्टी में तोरई के बीज को लगाए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। लगभग 5 पौधे अच्छे से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। बाकी जो हमने बीज लगाए थे वो शायद मिट्टी के अंदर पड़े पड़े खराब हो चुके हैं। हो सकता है आने वाले समय में उनकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। जैसे ही पौधों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो खास तौर से आपको पानी का ध्यान रखना चाहिए। पानी की कमी नहीं होना चाहिए पौधों में। अगर पानी की कमी हो जाती है तो पौधे खराब हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में इनकी ग्रोथ कैसे चलती है। इस बाल्टी में तोरई के बीज को लगाने के बाद में अब तक का जो समय है वो 20 दिन का हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जो तोरई के छोटे छोटे पौधे थे अब ये बेल की तरह बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। जब तोरई के बेल की तरह पौधे बढ़ने लगें तो इनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसके लिए एक टाट बनाएंगे, यानी कि बांस को गाड़ेंगे। बांस इस बाल्टी में गाड़ने के बाद में ये जो तोरई के पौधे हैं उस बांस के सहारे ऊपर चढ़ते रहेंगे, और जैसे ही ऊपर चढ़ेगी बेल तो उसके बाद में जो फ्रूट आएंगे वो देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। चलिए अब हम इस बाल्टी में साइड से अच्छे से बांस गाड़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये 4 बांस गाड़ लिए हैं, और बांस को गाड़ने के बाद में हमें जो तार होता है पतला तार लोहे का उसका भी इस्तेमाल करना होगा, ताकि जो बेल है हमारी वो एक साइड से दूसरी साइड ना गिरे और अच्छे से ऊपर चढ़ती रहे। तो हमने यहाँ पर ये पतला सा तार ले रखा है। इस तार को हम अच्छे से बांध लेते हैं प्लास की मदद से। प्लास की मदद से अच्छे से आपको तार को बांध लेना होगा, इस तरीके से जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से हम लगभग 6 से 7 लगभग ये रिंग इसे इन बांस के सहारे बांध देंगे, जिससे कि हमारी जो बेल है तोरई की वो अच्छे से ग्रोथ अपनी करती रहे और इन तार के सहारे इन बांस के सहारे ऊपर चढ़ती रहे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रिजल्ट मिलता है। इस बाल्टी में तोरई के बीज को लगाए हुए अब तक का जो समय है वो हो चुका है 1 महीना 25 दिन का। 1 महीना 25 दिन के बाद का यह रिजल्ट है। हमारी जो तोरई की बेल हैं वो आसानी से इन बांस के सहारे ऊपर चढ़ रही हैं, लेकिन जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है। इसके लिए हमें थोड़ा फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करना होगा। ऑर्गेनिक में आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। जो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर होता है उससे ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ती है, इसके अलावा फ्रूट आने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। तोरई की इस बेल की बाकी की अपडेट आने वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर हम पूरे अपडेट के साथ अपलोड करते तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। इसके अलावा आने वाली जो वीडियो हैं
वो कुछ इस तरीके से है। हमने गमले में लाल भिंडी को ग्रो किया हुआ है, आपने सिर्फ ग्रीन भिंडी ग्रो की होंगी, लेकिन हम आने वाले समय में आपको लाल भिंडी ग्रो करके दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम आपको दिखाएंगे गमले में आप कैसे लौकी को ग्रो कर सकते हैं और उस पर कैसे ज़्यादा फ्रूट पा सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आपको कैसे लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक या फिर अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, बाय।